पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं द्वारा बिजली की कम खपत का इस्तेमाल देखते हुए मीटर चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान में मीटर से छेड़छाड़ के कई मामले सामने आए हैं। इन सभी पर कार्रवाई की गई और रिकवरी वसूली गई। साथ ही में इसी तरह कमर्शियल विद्युत उपभोक्ताओं की दुकानों एवं कारखानों में भी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। यह देखने में आया है कि लोगों द्वारा कनेक्टेड लोड को बढ़ा लिया गया था और रेगुलर बिल पर उस लोड को इंक्रीज नहीं किया था, जहां पर ऑडिट के दौरान उन पर भी रिकवरी निकाली गई है। इन सभी पर धारा 135 के अंतर्गत कार्रवाई की गई है और पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को इन सभी मामलों में कार्रवाई करने से 11 लाख रुपए की वसूली हुई है और लोक अदालत को मिलाकर 30 लाख रुपए की वसूली की गई है। कार्रवाई करिए, कितनी बिजली चोरी पकड़ी गई और कैसी कैसी बिजली चोरी पकड़ी है? अभी वर्तमान में जो सबसे ज्यादा शिकायतें हमारी आ रही हैं, जिसमें मीटर से छेड़छाड़ की आई हुई हैं, जो हम रैंडम चेकिंग में जिनकी खपत कम होती जा रही है उन उपभोक्ताओं की लिस्ट बनाकर उनको चेक कर रहे हैं, जिसमें मीटर के साथ छेड़छाड़ की शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उसमें हमने धारा 135 के अंतर्गत केस बनाया है। इसके अलावा कुछ कॉमर्शियल शॉप्स ऐसी हैं जिन्होंने अपना दुकान में जो कनेक्टेड लोड है उसको बढ़ा लिया है, वह रेगुलर बिल पर लोड इंक्रीज नहीं किया है, उनको भी धारा 126 के अंतर्गत एज ए ऑडिट उनकी रिकवरी निकाली गई है। वह उनको सलाह दी गई है कि वह अपने भार वृद्धि करा लें। लगभग कितनी चोरी पकड़ी गई होगी? लगभग हमारी इस महीने 12-13 चोरी के केस बने हैं और लगभग 22-23 हमारे भार वृद्धि के प्रकरण बने हैं। कितने लाख का रेवेन्यू प्राप्त हुआ है इसमें? इसमें लगभग हमारे यहाँ 11 लाख रुपए करीब की रिकवरी आई है, क्योंकि चूंकि हमारा इसमें लोक अदालत भी थी जुलाई माह में, तो जुलाई माह में लोक अदालत के अंतर्गत जो हमारे पुराने केस थे उनको मिलाकर लगभग 30 लाख रुपए करीब की रिकवरी हुई थी। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए जलपुर से आशीष वात्री की रिपोर्ट।